In that book see, you are having this English fairy book. Yes or no? Yes. Today we are going to start with our first chapter in that book. The lesson name is Hedy. Okay. Hedy is a lesson written by, this is the story, this is written by Johanna Sparrow. Okay. It is a children's story or a story written on the children by him. It is very famous. Okay. तो आज जो हम लोग स्टोरी देख रहे हैं ये एक ग्रैंड डॉटर की है. ग्रैंड डॉटर इज व्हाट? यस, डू यू नो? अच्छा, आपको भी दादा दादी नाना नानी है ना, उनके तो बहुत लाड़के होते हो आप लोग. हर चीज आपकी वहां पर पूरी हो जाती है. Isn't it? Yes. You love your grandparents. Yes or no? Yes. You like to visit them. आपके grandparents, किसी के grandparents उनके साथ ही रहते होंगे या किसी के grandparents out of station रहते होंगे, दूसरे गांव रहते होंगे, तो उनसे मिलने के लिए आप लोग कभी कभार जाते ही होंगे. बराबर आपको पसंद भी आता होगा, बहुत मजा भी आता होगा आपको. क्यों? तो बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है आपको वहां से. Isn't it? तो ऐसी एक ग्रैंड डॉटर की स्टोरी है ये, जिसका नाम क्या है? हेडी. ओके, तो ये जो स्टोरी है ये ग्रैंड डॉटर की है, जो कि अपने ग्रैंड फादर के यहाँ पर गई हुई है. और वहां पर जाने के बाद में उसने क्या क्या मजे किए वहां पर. ओके, हाउ वॉज हर डे ओवर देयर, उसने क्या एंजॉय किया. इसमें बहुत सारे इमोशंस फीलिंग्स उसकी बताई गई है. तो लेट अस एंजॉय दिस स्टोरी बाय रीडिंग इन आवर टेक्स्ट बुक. नाउ वी विल सी इन आवर टेक्स्ट बुक. Now we will see in our textbook. All of you, see in your textbook, open your textbook, see lesson number first, Hedy. Okay. First of all, we will see a warm-up. Warm-up means what? An activity is given over there. Let us see that. Look at the pictures and speak about them. Share with your friends something interesting you have done with your parents and grandparents. Okay. What? आपके grandparents के साथ में आपने बहुत सारे interesting things किए होंगे, वो आपको आपके friends के साथ में share करना है. Share करना मतलब उनको बताना है. जैसे कभी आपने अपने grandparents के साथ में कुछ पौधे लगाए होंगे, जैसे कि first picture में दिख रहा है. आपने कुछ enjoy किया होगा, उनसे कुछ काम सीखा होगा आपने, है ना, गार्डनिंग का, है ना, कैसे देखभाल की जाती है पेड़ पौधों की. और कभी आपने उनके कुछ डिशेस की बहुत तारीफ की होगी, कुछ डिशेस उनके साथ में आपने बनाना सीखे होंगे, एंजॉय किए होंगे. बराबर किसी को कुछ आर्ट क्राफ्ट, कुछ स्टोरीज आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से कोई स्टोरी आपने सुनी होगी, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, है ना. ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के साथ में, वो बहुत सी बार हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, है ना. क्यों करते हैं? बिकॉज वी एन्जॉय ऑल दैट एक्सपीरियंस. जो भी काम हमने हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के साथ किए होते हैं वो हम लोग बहुत एन्जॉय करते हैं, और वो मीठी यादें हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हैं. Isn't it? Okay. तो ऐसे ही हम लोग आज एक स्टोरी देखने वाले हैं. तो लेट अस रीड हियर. आपको सबको पेंसिल अपने हाथ में रखनी है, क्यों? तो हमें रीडिंग करनी है. आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए, रीडिंग बहुत ही केयरफुली करनी है आपको, ठीक है बच्चों? दिस इज द स्टोरी of a young girl called Hedy. Okay, एक young girl की story है. कौन सी? Hedy. उस girl का नाम है ये. क्या है? Name. Name मतलब it is a proper noun. Who lived under the care of her grandfather. जो अपने grandfather के under रहती थी, उनके साथ रहती थी. कहाँ पर रहती थी? इन स्विस
एल्प्स। ओके, वो एक जगह का नाम है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये एक प्लेस का नाम है। ठीक है, लेट अस रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट द स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच का जो ये बहुत ही स्वीट रिलेशन होता है, जो हर कोई बहुत एंजॉय करता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये रिलेशन। ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर जो होते हैं वो भी अपने ग्रैंड डॉटर के साथ में या ग्रैंड सन के साथ में ये जो रिलेशन होता है उनका, ये बहुत ही अच्छा होता है और वो लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक ग्रैंड डॉटर हेदी की हम लोग एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहती थी। हेडी वॉज अवेकंड अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग बाय अ लाउड ब्रिसल। हेडी एक दिन अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह वो अचानक उठ पड़ी। क्यों? तो उसे बाहर कुछ आवाज आ रही थी। अवेकिन मतलब अचानक उठना, नींद से जगी वो। द सन वॉज शाइनिंग थ्रू द राउंड विंडो एंड फॉलिंग इन द गोल्डन रेज ऑन हर बेड एंड ऑन अ लार्ज हीप ऑफ हे। जो सन है, सुबह सुबह का सूरज अगर आपने देखा है तो वो कैसे शाइन करता है, उसकी जो रेज होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं। गोल्डन मतलब पता है ना आप लोगों को, यह सुनहरा कलर होता है। और विंडो से वो रोशनी जो है सूरज की, उसकी रेज उसके बेड पर पड़ रहे थे और एंड ऑन अ लार्ज हीप ऑफ हे। हे मतलब उसके रूम में बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, किसका, घास का, जो कि वो लोग उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए रखते थे वहां पर स्टोर करके। ओके, उसके ऊपर भी वो रेज पड़ रही थी। एज शी ओपन्ड हर आईज एवरीथिंग अराउंड हर सीम्ड ग्लीमिंग इन गोल्ड। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके आजू बाजू की हर चीज शाइन कर रही थी गोल्ड की तरह। ग्लीमिंग मतलब क्या, शाइन करना। गोल्ड शाइन करता है ना, चमकता है ना, यह शाइन करना मतलब चमकना। शी लुक्ड अराउंड हर इन एस्ट्रोनिशमेंट एंड कुड नॉट इमेजिन फॉर अ व्हाइल वेयर शी वॉज। एस्ट्रोनिशमेंट मीन्स वॉट, सरप्राइज। और जैसे उसने अचानक इतना ग्लीमिंग आजू बाजू में देखा जो शाइन हो रहा था, इससे वो बहुत चौंक पड़ी, सरप्राइज हो गई। एंड शी थोड़ी देर के लिए वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई कि वो कहाँ पर है। एंड कुड नॉट इमेजिन फॉर अ व्हाइल वेयर शी वॉज। गॉट इट। सून शी हर्ड हर फादर्स डीप वॉइस। और तुरंत उसने अपने ग्रैंडफादर की वॉइस बाहर से सुनी। और हेडी जंप्ड क्विकली आउट ऑफ द बेड एंड हैड ऑन ऑल हर क्लोथ्स। हेडी अपने बेड पे से जंप करके तुरंत वो नीचे उतरी और अपने क्लोथ्स ठीक करते हुए पहनते हुए वो शी क्लाइम डाउन द लैडर एंड रैन आउट द आउटसाइड द हट। मतलब वो एक जो सीढ़ी होती है उसे लैडर कहते हैं, मतलब उसका जो बेड है वो कहाँ तो भी ऊपर के रूम में है, जहाँ से वो सीढ़ी से वो नीचे उतरी और वो रैन मतलब भागते हुए दौड़ते हुए वो हट के बाहर गई, आउटसाइड ऑफ द हट। देयर स्टूड पीटर ऑलरेडी विथ अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। वहां पर कौन खड़ा हुआ था, पीटर, जो कि एक बॉय का नाम है, एक लड़का है जो कि बाहर ऑलरेडी खड़ा था गोट्स के साथ में। जब गोट्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ गोट्स को फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉक। एंड हर ग्रैंडफादर वॉज जस्ट ब्रिंगिंग हिज
टू आउट ऑफ द शेड टू ज्वाइन द अदर्स, मतलब और ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, वो और भी दो गोट्स शेड में से बाहर निकाल कर दे रहे थे किसे, पीटर को, ताकि जो गोट्स का जो फ्लॉक है उसके साथ में वो उनको भी वो लेकर जा सके। डू यू वॉन्ट टू गो विद देम टू द माउंटेन, अब ये वाला सवाल किसने किया है, ग्रैंडफादर ने, ग्रैंडफादर ने किया है, किससे किया है, यस हैदी से, क्यों, तो ये अभी जाकर बाहर आई थी ना, तो जो सोकर वो उठी और जैसे ही वो बाहर आई तो उसके उसने जो देखा बाहर, तो ग्रैंडफादर ने उसे बोला क्या आप इसके साथ में माउंटेन जाना चाहती हो, गोट्स जो होते हैं गोट्स को हमें चराने के लिए घास खिलाने के लिए उनको बाहर लेकर जाना पड़ता है, तो उनकी देखरेख करना, उनका जो खाना पीना जो रहता है, तो वो आजू बाजू के जो स्मॉल ग्रासेस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो खाते हैं, वो उनका ईटिंग फूड होता है उनका, है ना, तो उनको चराने के लिए लेकर जाना पड़ता है। आपने भी कभी देखा हो गया आजू बाजू में कहीं पर कि बहुत सारे जो शिप रियरिंग वाले जो होते हैं, गोट रियरिंग वाले होते हैं, वो एक झुंड जो होता है, ग्रुप ऑफ द गोट्स होता है, वो माउंटेन साइड में या जहाँ पर हरियाली होती है वहाँ पर उनको चराने के लिए लेकर जाते हैं। तो इसी तरह पीटर भी गोट्स को लेकर जाने वाला था, और उन्होंने अभी हैदी जो अभी उठी थी नींद में से, उसे क्या कहा कि क्या आप जाना चाहोगी इसके साथ। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर द स्टोरी, यस। नाउ इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी द फर्दर।